हाय गाइस, इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ कैमटी के बारे में। इसमें बहुत सारे लोगों की कमेंट होती है कि सर इसमें क्रोमा की तो दी नहीं है, हम इसमें बैकग्राउंड कैसे रिमूव करें, हम यूट्यूब के वीडियो बनाते हैं तो हमें जो यूट्यूब के टेम्पलेट्स है सब्सक्राइबर वाले, हम उसको कैसे यूज़ करें, उसका ग्रीन बैकग्राउंड कैसे रिमूव करें। तो आज मैं वही बताने वाला हूँ। मैं भी खुद यूट्यूब के वीडियो बनाता हूँ तो मैं इसमें क्रोमा की का यूज़ कैसे करता हूँ। इसमें हालांकि दिया नहीं है पर मैं आपको इसका बैकग्राउंड रिमूव करके बताऊंगा कि इसमें बैकग्राउंड रिमूव कैसे होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब बिना स्किप करिए वीडियो को पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा। इसमें आप सबसे पहले अपना वीडियो इम्पोर्ट कर लीजिए, जो मैं ये कर लेता हूँ, और इसको मैं ट्रैक वन पे डाल देता हूँ। और अब मैं आपको कुछ टेम्पलेट्स बताने वाला हूँ यूट्यूब के। अगर आपके पास ना हो और अगर आप नया चैनल है आपका तो आप ये डाउनलोड कर सकते हैं, मैं इसकी लिंक दे दूंगा। मैं सबसे पहले आपको एक एक करके बता देता हूँ कि टेम्पलेट्स मेरे पास कैसे है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स के वीडियोस में देखा होगा आपने कि ये टेम्पलेट्स यूज़ करते हैं सब्सक्राइबर वाले, नोटिफिकेशन बेल वाले, तो ये आप भी कर सकते हैं। ये मैं सारी एक एक करके आपको बताऊंगा क्योंकि इसमें बहुत सारे अच्छे भी और मैं खुद ही यूज़ करता हूँ इनको, तो मैं ये आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे यूज़र्स के पास आपको नहीं मिलेंगे तो मैं ये आपको दे रहा हूँ। और इसका ग्रीन जो बैकग्राउंड है उसको कैसे रिमूव करना है तो वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। और आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाए ताकि आने वाली नई नई वीडियो की अपडेट मिलती रहेंगी आपको। और मैं ये केमिस्ट्रिया सॉफ्टवेयर जो है इसका मैं सारे कोर्स के वीडियो आपको एक एक करके बना के बताने वाला हूँ। तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाए जिससे कि वो मेरी वीडियो की अपडेट आपको मिल जाए जो मैं बनाऊँगा। और अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर लीजिए। और अगर आपको कुछ डाउट है या आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। यह आप देख सकते हैं मेरे पास इस टाइप के टेम्पलेट्स हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो मैं इसकी लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आप आपके चैनल की लोगो भी डाल सकते हैं, जो आपने प्रोफाइल फ़ोटो डाल रखा है वो कैसे डालना है उसका मैं वीडियो अलग से बना के बता दूंगा। हालांकि ये वीडियो में मैं बताने जाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैं आपको ये टेम्पलेट्स भी फटाफट बता रहा हूँ कि ये कैसे है। आप इसका यूज़ करके आप एक अच्छा वीडियो बना सकते हैं यूट्यूब के लिए। जो अधिकतर यूट्यूबर जो पॉपुलर वीडियो बनाते हैं जो अभी रैंक कर रहे हैं तो उनके इसमें भी आपको यही सारे टेम्पलेट्स मिलेंगे। ये सारे टेम्पलेट्स हो गए। देखिए अब मैं इस टेम्पलेट्स को उठा के इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ केमिस्ट्रिया में। अब इसे मैं कहाँ पे डालना है देखिए, मैं ये यहाँ पे डाल देता हूँ। अब मैंने इसे ट्रैक टू में ले आया है। अब इसमें आपको क्रोमा की का ऑप्शन नहीं दिख रहा, बहुत सारे नए नए यूज़र्स के पास मैं आपको यहाँ साइड में प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन, जो आपको ये स्केल वगैरह कैपेसिटी दिख रही है ये भी नहीं शो होता है। तो आप इससे डरिए नहीं, इसमें जो आपको प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा वो ऑप्शंस। तो अब आपको सिलेक्ट करना है आपके टेम्पलेट्स पे या अपना जो बैकग्राउंड रिमूव करना है जिस वीडियो का उसको आपको सिलेक्ट करना है। फिर आ जाना है आपको मॉडिफाई पे। मॉडिफाई पे आ जाने के बाद एड इफेक्ट पे आना है आपको, और एड इफेक्ट पे आ जाने के बाद विजुअल इफेक्ट पे आना है आपको। इस पे आ जाने के बाद आपको एक नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा रिमूव अ कलर, इस पे आपको क्लिक करना है रिमूव अ कलर पे। यहाँ पे आ जाने के बाद आपको जो भी कलर रिमूव करना है, जैसे मेरा पहले से ही कलर सेलेक्ट था ग्रीन वाला तो ये मैंने ग्रीन सेलेक्ट कर लिया तो इसमें हट गया है। अगर आपका कोई और कलर हो तो आप इसमें जो आपको ग्रीन कलर दिख रहा है वहाँ पे आपको क्लिक करना है, और वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको जो कर्सर है उसका उसको वहाँ पे ले जाके छोड़ देना है जो रिमूव करना है उस पर। मैं आपको एक और टेम्पलेट बना के बताऊँगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। और इसमें आप देख लीजिए कि आपको ये जो इफ़ेक्ट वगैरह है, जो अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर लग रहा है कि हाँ इसमें ग्रीन ग्रीन दिख रहा है तो आप इसका थोड़ा बहुत सेटिंग्स जो है आगे पीछे करके देख सकते हैं कि किस में कम हो रहा है, तो मैंने ये करके दिखा दिया है आपको।
अब मैं इसे अपने वीडियो के हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। ये देखिए, इसका पूरा बैकग्राउंड ही रिमूव हो गया है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि इसमें केमिस्ट्री में हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। वो क्रोमा की आदत रहती है तो क्रोमा की ही ढूंढते रहते हैं, पर इसमें ऐसा नहीं। अब देखिए, मैं दूसरा टेम्पलेट्स आपको बता देता हूँ। मैं ये दूसरा टेम्पलेट यहाँ पे ले लेता हूँ। अब ये देखिए, मैंने भी इसे ड्रैग कर दिया है। अब इसका जो बैकग्राउंड है, अब मुझे इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो वो वीडियो को सिलेक्ट कर लूँगा और वही प्रोसेस है कि मैं मॉडिफाई पे जाऊँगा। मॉडिफाई पे जाने के बाद एड इफेक्ट पे जाऊँगा। एड इफेक्ट पे आने के बाद, विजुअल इफेक्ट पे आने के बाद, मुझे रिमूव अ कलर पे क्लिक करना है। रिमूव अ कलर पे क्लिक करने के बाद आप खुद देखेंगे इसका कलर रिमूव नहीं हुआ है। तो आपको जो ये साइड में ऑप्शन, प्रॉपर्टीज़ के जो ऑप्शंस जो मैंने दिखाया था, तो आपको ये राइट हैंड पे जो कलर का ऑप्शन दिख रहा है ग्रीन कलर का, तो आपको ये ग्रीन कलर पे जो पेन मार्क दिख रहा है, पेन मार्क को जहाँ पे आपका कलर है स्क्रीन का, वहाँ पर ले जाके क्लिक कर देना है, तो ये रिमूव हो जाएगा। और आपका जो भी है ये सेटिंग्स के हिसाब से आप इसमें चेंज कर सकते हैं कि कहाँ पर ये स्क्रीन जो थोड़ी बहुत भी दिखती है ग्रीन ग्रीन लाइन है, वो कहाँ से प्रॉपरली हट जाए, तो आप उसके थोड़े बहुत आगे पीछे बढ़ा के देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये पूरा इसका रिमूव हो चुका है। और आप ऐसे ही अलग अलग कलर के जो बैकग्राउंड बनाते हैं तो उसको भी रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको पेन कलर के ऑप्शंस पे जाके, आपको सीधे पेन के ऑप्शंस पे क्लिक करके आपका जो भी बैकग्राउंड का कलर है उसको सिलेक्ट करना है, तो बैकग्राउंड का कलर हट जाएगा। और आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारी नई नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।